हेलो बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम सभी ने लास्ट क्लास में मिरर एंड लेंस का सेकंड पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने कनकेव मिरर के दो केस पढ़ लिए थे, ठीक है। और आज हम इसके चार केस और पढ़ेंगे, साथ ही साथ कन्वेक्स मिरर भी पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला केस, वो अब तीसरा केस, केस नंबर थर्ड। हाँ जी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड, क्या होगा, एफ। जब वस्तु को, हिंदी वाले लिखेंगे, जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाए, जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाए, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसा बनेगा फिगर, कुछ इस टाइप का। ये P, ये F, ये C। ऑब्जेक्ट को रखना है C और F के बीच में, मीन्स मान लो यहां पे रख दिया आपने, ये हो गया आपका A, ये हो गया B। रे गई टकरा के F से, ठीक है। फिर आपको पता ही है कि कोई भी इमेज बनाने के लिए दो तरह के, दो रे का मिलना जरूरी है, तो अगली रे कहां से जाएगी, सी से जाएगी, टकरा के वापस। अब देखो क्या ये रे कहीं भी आपस में मिली, नहीं, तो हम इसको पीछे बढ़ाएंगे। हम इसको कहां बढ़ाएंगे, हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये हम ऐसे ऐसे पीछे बढ़ाएंगे और ये मिल गया यहां पे, ए डैश बी डैश। कहां मिल गया, ए डैश बी डैश। तो चलिए इमेज के बारे में कुछ बात करते हैं, प्रतिबिंब के बारे में कुछ बात करते हैं। तो पहला कहां बना, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, लेकिन कहां, मिरर के सामने कहां, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, सी के परे, सी के परे। दूसरा कैसा बना, हाईली, यानी कि कैसा बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, तो हम कहेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा। ठीक है, तीसरा, और आपको तो पता ही है मैंने क्या सिखाया था बच्चों, कि जब भी मिरर के सामने बनेगा इमेज तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, और जब भी मिरर के पीछे बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा, ठीक है। फिगर नंबर दो, सॉरी फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब वस्तु को सी पर रखा जाए, जब वस्तु को किस पर रखा जाए, सी पर रखा जाए, तो लीजिए ये P, ये F, ये C। सी पे ऑब्जेक्ट को रखा है ए, बी, रे गई ऐसे टकरा के एफ से निकल जाएगी, सॉरी 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 सॉरी, टकरा के एफ से निकल जाएगी, ठीक है जी। अब बात आती है कि अब तक क्या देख रहे थे आप, कि रे जो जा रही थी वो सी, यानी जो सी से जा रही थी वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट को टच करती हुई जा रही थी, और जा कहां से रही थी, सी से, लेकिन अब तो खुद ही सी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, अब तो खुद ही सी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो फिर क्या करें। तो बच्चों फिर एक चारा रह जाता है कि अब इसकी रे फोकस से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से। और आपको अच्छे से पता है बच्चों कि फोकस से जाने वाली, फोकस से जाने वाली लाइन टकरा के क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो देखो जब मैं यहां से फोकस से लेके गया, तो टकराने के बाद ऐसे गुजरी, और गुजरी तो देखो आप देख रहे हो कि इमेज कहां पे टकराई, ठीक सी के नीचे टकराई, इमेज कहां पे टकराई, ठीक सी के नीचे टकराई। मतलब कैसे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, यहां यहां से गई रे टकरा के एफ से, अब ऑब्जेक्ट खुद सी पर है तो इसलिए कहां से जाएगी, एफ से, और टकरा के कहां काटेगी, ठीक सी के नीचे ही काटेगी। अगर आगे पीछे काट रही है तो इसका मतलब हमारा डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक सी के नीचे ही काटना चाहिए, और अगर ठीक सी के नीचे काटेगा तो इसके इमेज के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। पहला कहां, इन फ्रंट ऑफ मिरर,
मिरर के सामने, लेकिन कहां पर? एट सी। कहां पर? एट सी, ठीक है, दर्पण के सामने, सी पर। कहां पर? सी पर। दूसरा, हां जी, दूसरा, दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा क्या है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सेकंड क्या है? दर्पण के सामने, सी पर। अच्छा, अगला सेकंड क्या है? हाँ, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु के बराबर। और तीसरा, मिरर के सामने है तो रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई भी परेशानी? कोई भी परेशानी है किसी बच्चे को? तो नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बाकी के दो डायग्राम। चलिए नोट कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। हाँ जी, तो हमने चार डायग्राम पढ़ लिए छह में से, और अब आ रहा डायग्राम नंबर पांच। तो पहला डायग्राम क्या पढ़ा बच्चों हमने? पहला डायग्राम पढ़ा हमने पी और एफ के बीच। क्या पढ़ा हमने? पी और एफ के बीच। दूसरा डायग्राम क्या पढ़ा हमने? दूसरा डायग्राम क्या पढ़ा हमने? एफ पर। तीसरा डायग्राम क्या पढ़ा हमने? सी और एफ के बीच। और फोर्थ डायग्राम क्या पढ़ा बच्चों हमने? भाई एट सी। और अब क्या पढ़ेंगे हम? बियॉन्ड सी, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के परे, ठीक है, जब वस्तु को सी के परे रखा जाए, सी के परे रखा जाए, ठीक है। तो देखो, हाँ जी, पी एफ सी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? सी के परे, ए बी टकरा के कहां से जाएगा? सी से। अब आपको पता ही है कि रे कहां से जाएगी? भाई सी से जाएगी, तो टकरा के वापस। और अब आपको यह भी पता है कि इमेज कहां बनती है? इमेज वहां बनती है जहां दो रे टकराती है, तो दो रे यहां पर टकराई हैं, ए डैश बी डैश। आइए इमेज के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, लेकिन कहां पे? बिटवीन सी एंड एफ, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। सेकंड, हाँ जी, अब क्या है? सी और एफ के बीच। अब और इमेज बनी कहां? ठीक है, सी और एफ के बीच बनी कैसे? भाई ऑब्जेक्ट से छोटी बनी, तो यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटी। तीसरा, मिरर के सामने बनी है, तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसमें कुछ नई बात है ही नहीं, ये बात हम बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। सिक्स्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, हाँ जी, अब कहां प्लेस करेंगे? भाई पी एफ के बीच में भी रख दिया, एफ पे भी रख दिया, सी एफ के बीच में भी रख दिया, सी पे भी रख दिया, सी के पीछे भी रख दिया। अब अगला स्टेप क्या बचता है? क्या सी से और पीछे? ये कौन सी बात हुई भाई? हमने पी एफ के बीच में भी ऑब्जेक्ट रख के देख लिया क्या हुआ है, पी पे एफ पे भी रख के देख लिया ऑब्जेक्ट में क्या हुआ है चेंजेस, सी और एफ के बीच भी रख के देख लिया, सी पे भी रख के देख लिया, सी के बियॉन्ड भी रख के देख लिया। अब क्या करें? हैं भाई, सी से और बियॉन्ड, ये क्या बात होती है भाई? बियॉन्ड तो बियॉन्ड होता है, चाहे कहीं भी रख लो। अब अगला लेवल आता है बच्चों इनफिनाइट। अगला लेवल क्या आता है बच्चों? इन्फिनिटी। तो यानी अब कहां रखेंगे? प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। कहां पर रखा जाए? अनंत पर। तो आइए शुरू करते हैं। पी एफ
सी कहां से आ रही है भाई? रे रे आ रही है बच्चों, रे आ रही है इन्फिनिटी से। कहां से आ रही है रे? इन्फिनिटी से। और टकरा के कहां? फोकस पर। टकरा के कहां? ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब चलो इसके इमेज के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये तो लिख ही लोगे। और दूसरा, कहां पे? एट एफ, हिंदी वाले, दर्पण के सामने, लेकिन कहां पर? एफ पर। कहां पर? एफ पर। दूसरा भाई, इसमें बना था स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पे रे जो मिल रही है तो क्या बना रहा? पॉइंट बना रहा। तो क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज। कैसा बनाएगा? पॉइंट साइज, बिंदु आकार। और थर्ड, आपको पता ही है कि भाई मिरर के सामने है तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए नोट कीजिए, आपके कनकेव मिरर के डायग्राम खत्म। ठीक, जल्दी नोट कीजिए, फिर आपको कन्वेक्स मिरर की तरफ लेके चलता हूं। अगला देखो बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोगों ने कनकेव मिरर का केस पढ़ लिया है। ठीक है, कनकेव मिरर का केस पढ़ लिया है, और हमने ये भी देख लिया कि कनकेव मिरर के अंदर 6 केस होते हैं, और ये 6 केस किस किस तरीके से प्लेस किए जाते हैं। तो बच्चों एक बार फटाफट हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको कन्वेक्स मिरर की तरफ लेके चलूंगा, और आज हम मिरर का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ा कि भाई जो मिरर है उसके क्या-क्या रूल हैं। तो रूल आपने देख लिया कि जब फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल जाएगा तो फोकस से हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने देखा सी से जाएगा तो टकरा के वहीं से वापस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है बच्चों कि हमने पढ़े केसेस कि ऑब्जेक्ट को जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखा जाए तो इमेज कैसी बनेगी। तो जब हम लोगों ने सबसे पहले इमेज को कहां पे रखा बच्चों? सबसे पहले हम लोगों ने इमेज को रखा P और F के बीच, तो हमारे पास जो इमेज आई वो मिरर के पीछे आई, और साथ ही साथ मिरर के पीछे होने पर वो वर्चुअल और इरेक्ट इफेक्ट दिखा रहा था, और वो कैसा ऑब्जेक्ट बना रहा था? मैग्नीफाइड इफेक्ट। ठीक है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनी। दूसरी, फिर हम लोगों ने भाई अब की बार ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, तो फोकस पे रखने पे हमने देखा कि जो इमेज बना वो कहां पे बना? इन्फिनिटी पे बना। कहां पे बना? इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी कितना बड़ा होता है भाई? बहुत बड़ा होता है। तो इसका मतलब जो इमेज बनी वो हाईली मैग्नीफाइड बनी, लेकिन जो इमेज बनी वो मिरर के सामने बनी, क्योंकि मिरर के पीछे वर्चुअल इरेक्ट होता है, आभासी सीधा होता है, लेकिन मिरर के सामने कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हम लोग आते हैं इस पे, फिर हम लोग आते हैं जब सी और एफ के बीच में रखा तो क्या हुआ भाई? तब इमेज बना भाई बियॉन्ड सी। ठीक है, मिरर के सामने बना लेकिन बियॉन्ड सी, और साथ ही साथ कैसा बना बच्चों? बियॉन्ड सी तो बना, और साथ ही साथ क्या बना? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और मिरर के सामने था तो रियल इन्वर्टेड, यानी वास्तविक सी उल्टा। नेक्स्ट है क्या बच्चों? नेक्स्ट क्या है? फिर हमने रखा किस पे भाई? सी पे रखा, और जब सी पे रखा तो इमेज हमें ठीक सी के नीचे ही मिली, ठीक सी के नीचे ही मिली, मतलब ऑब्जेक्ट के बराबर ही मिली, और मिरर के सामने था इसलिए रियल इन्वर्टेड, वास्तविक उल्टा। अब हमने रखा बियॉन्ड सी, सी के परे,
तो भाई सी के जब परे रखा हमने तो इमेज बना हमें मिरर के सामने, लेकिन सी और एफ के बीच में, और कैसा बना? ऑब्जेक्ट से छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा और मिरर के सामने, तो रियल इन्वर्टेड। फिर नेक्स्ट हमने देखा, फिर हमने नेक्स्ट देखा क्या देखा कि भाई अब की बार हमें इमेज कहां पे मिली, अब की बार, हाँ अब की बार हम भाई रे कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, वो कहां पे मिला, एफ पे, और एफ पे जो मिला वो साइज कैसा दिया उसने, पॉइंट साइज, मिरर के सामने, इसलिए रियल इन्वर्टेड मतलब वास्तविक उल्टा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या शुरू करेंगे? कन्वेक्स मिरर, दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर, हिंदी में उत्तल दर्पण, दूसरा नाम अभिसारी, सॉरी अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। तो ये इसके दो नाम हैं और इसको अच्छे से याद रखना आपको, क्योंकि मैंने बता दिया था कि एग्जाम में कभी कभी ये चेंज होकर आ जाते हैं, तब वहां पर परेशानी ना हो इसलिए हमें ऐसा काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखेंगे जरा। सबसे पहले उत्तल दर्पण में भी सेम कन, यानी कि जो कन्वेक्स मिरर है वो सेम कनकेव मिरर जैसा ही होता है, बस एक छोटे से फर्क के कारण ये पूरी तरीके से बदल गया है। भाई आपको जो कन्वेक्स मिरर देखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब अब तक जो पेंट होता था बाहर की तरफ, लेकिन अब इसका पेंट कहाँ होगा, अंदर की तरफ, और बाहर वाला हिस्सा शाइनी होगा। बाहर वाला हिस्सा कैसा होगा? शाइनी। और प्यारे बच्चों इसकी भी जो बीचों बीच, मतलब जो मिरर को बीचों बीच जो लाइन काटे उसे भी हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुख्य अक्ष कहते हैं, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, आपको मैं ये बता दूं कि भाई मिरर कोई सा भी हो, लेंस कोई सा भी हो, उसको काटने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस ही कहते हैं। और जहां पे ये दोनों चीजें कटती हैं आपको पता ही है ये क्या होता है, भाई पी होता है, पी मतलब पोल होता है, पोल होता है ध्रुव। ठीक, फिर यहां पर जो पॉइंट आता है वो फोकस होता है। ठीक है, ये मैंने आपको नेक्स्ट लास्ट क्लास में बता दिया है, फोकस होता है। और फिर जो यहां पर पॉइंट होता है सी, इसके बारे में बता चुका हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र होता है। और आप ये भी जानते हैं कि ये पॉइंट होता है एफ और ये पूरा पॉइंट होता है क्या भाई, आर। तो इसमें कोई भी नई बात नहीं है, बस नई बात एक ही है, नई बात एक ही है क्या, कि कनकेव मिरर जो था, क्या था, कनकेव मिरर जो था, अवतल दर्पण जो था, उसके पी एफ और सी मिरर के सामने थे। उसके पी एफ और सी नोट करो, अगर आप लोग देखोगे तो उसके पी एफ सी कहां पर है, मिरर के सामने है, लेकिन इसके पी एफ और सी, लेकिन इसके पी एफ और सी कहां है, मिरर के पीछे। इसके पी एफ और सी कहां है भाई, मिरर के पीछे। तो भाई इसी वजह से इसके सिर्फ दो केस बनते हैं, इसके सिर्फ कितने केस बनते हैं, दो। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं रूल बताऊंगा और रीजन बताऊंगा कि क्यों इसके सिर्फ दो ही केस हैं। चलो ये वो नोट कर लिया होगा आपने, रूल नंबर फर्स्ट बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट, पी एफ सी, मान लीजिए ये रे आई और ऐसे दी हुई है और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल। और आपको पता है ये पैरेलल से जब भी कोई रे पैरेलल जाती है तो वो कहां से गुजरती है, फोकस से। लेकिन बच्चों आप ना यहां फोकस से गुजार नहीं सकते, आपको टकरा के ना उसको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन समझ आ के सर, आपने तो कहा था कि जब भी कोई रे पैरेलल जाएगी तो वो तो फोकस से जानी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक समस्या खड़ी हो गई है। क्या समस्या खड़ी हो गई है कि भाई मानता हूं मैं कि मैंने ये कहा था आपसे कि भाई फोकस से लाइन जाएगी, फोकस से रे जाएगी, बिल्कुल जाएगी, अभी भी जाएगी, यहां पे भी जाएगी, लेकिन उस टाइम पे हम फोकस से जाते हुए दिखा सकते थे। क्यों? क्योंकि पी एफ और सी मिरर के सामने थे, तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख के हम चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पी एफ और सी का मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों ये रे गई, टकरा के मुड़ जाएगी। क्यों?
क्यों? क्योंकि एक पहली बात तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर मतलब क्या? टकराने के बाद फैल जाना, मतलब आई टकराई और फैल गई। क्यों? इसी वजह से इसका नाम पड़ा डाइवर्जिंग अपसारी। ठीक है, तो भाई अब बात आती है कि भाई फिर करें क्या, फोकस से तो गुजारना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो बच्चों फोकस है किधर? मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे हमेशा क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्चुअल रे बनाएंगे। कैसी रे बनाएंगे? वर्चुअल रे, कि सीधी गई टकरा के उधर मुड़ गई, तो हम रे को पीछे ले आएंगे, वर्चुअल रे बन जाएगी। ठीक है, रूल नंबर दो। पी एफ सी, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, मान लीजिए रूल नंबर दो यहां लिख देता हूं। मान लीजिए रे ऐसे आ रही है और एक ही रो दिया है, देख रहे हो, रे आ रही है और एक ही एरो दिया है। रे आ रही है और एक ही क्या दिया हुआ है? एरो। तो एक ही एरो का मतलब यह है कि यह टकरा के क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। और फोकस कैसे दिखाएंगे? वर्चुअल इफेक्ट में। कैसे इफेक्ट में? वर्चुअल। और लास्ट आता है रूल नंबर तीन। पी एफ सी, हां जी, अब की बार जो रे आ रही है वो उसमें दो एरो दिखाए गए हैं, एक जाने का और एक टकरा के वापस आने का। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि रे टकरा के वापस सिर्फ एक ही जगह से आ सकती है, और वो जगह कौन सी है? वो जगह सी है। वो जगह कौन सी है? सी, कि टकरा के जहां से क्या हो जाती है? वापस। तो बच्चों ये तीन रूल है, इसके तीन रूल पढ़ लो, फिर मैं आप लोगों को इसके केस पढ़ाता हूं। इसके दो ही केस है, जल्दी नोट करो। चलिए आगे देखेंगे। चलिए बच्चों अब इसके दो केस हैं, वो पढ़ लो फिर खत्म कहानी। ठीक है, फिर आज की क्लास खत्म। नेक्स्ट क्लास में इसके यूजेस, इसके फॉर्मूले लिखवा दूंगा, या एक काम करूंगा इसके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, यूजेस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये नहीं, फॉर्मूले भी तो फिर उसी क्लास में, नहीं नहीं अभी आपको रिवाइज करने के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा रिवाइज करोगे तब आगे बताया जाएगा आपको। चलिए तो अब पढ़ते हैं हम इसके दो केस, ठीक है, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? जब वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाए, जब वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाए, जब वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाए। तो आइए लीजिए, पेश करते हैं रे डायग्राम। ये हमारी ए बी ऑब्जेक्ट, रे आई टकराई, और आपको पता है डाइवर्जिंग मिरर है, तो टकरा के उधर निकल जाएगी, और फिर कहां से जाएगी? फोकस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बात यह है कि कभी भी इमेज कितने रे से बनती है, मैं ये बात बता चुका हूं, कभी भी इमेज दो रे से मिलकर बनती है कम से कम, तो इसलिए हमें दूसरी रे भी देखनी पड़ेगी। तो आपको पता ये एक अगर फोकस से है तो एक कहां से जाएगी? एक सी से जाएगी। एक अगर फोकस से है तो दूसरी कहां से जाएगी? सी से, टकरा के वापस। लेकिन टकरा से वापस जाने से मतलब क्या है? ये आ गया, तो कहां पे टकराई? यहां पे, ये बन गया ये। ठीक है, तो ए डैश बी डैश। चलिए इमेज के बारे में लिखते हैं, इमेज के बारे में लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? पहला पॉइंट कहां बना? बिहाइंड द मिरर। कहां बना इमेज? कहां पे बना? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कॉमा बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ, हिंदी में वस्तु के पीछे, सॉरी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है,
पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच मतलब क्या बच्चों, ध्यान से सुनेंगे कि दर्पण के पीछे बना लेकिन कहां बना, पी और एफ के बीच में बना। सेकंड, कैसा बना, ऑब्जेक्ट से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा। और तीसरा, आपको मैंने बता ही रखा बच्चों, नई बात है नहीं, कि जब भी इमेज मिरर के पीछे बनती है, जब भी इमेज मिरर के पीछे बनती है तो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। चलिए, और अगला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब खुद ही देखो ना बच्चों, यही दो केस है हमारे पास, और कोई केस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप भाई पी और एफ के बीच में तो ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते ना। क्यों? क्योंकि वो मिरर के पीछे है, तो मिरर के पीछे जब सारी चीजें हैं तो ना पी एफ के बीच में रख सकते हो, ना एफ पे, ना इसके बीच में, ना सी पे, ना सी के परे, बस दो ही जगह रख सकते हो, एक तो मिरर के सामने और एक इन्फिनिटी पे। तो भैया लो, पी एफ सी। हाँ जी, रे कहां से आ रही है, रे कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, टकरा के क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, मुड़ जाएगी, और मिलेगी कहां पर, मिलेगी कहां पर आके, ये मिल गई, तो बस बात खत्म। इमेज के बारे में बताओ कुछ। हाँ जी, पहला क्या है भाई, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एट एफ, ठीक है, दर्पण के पीछे एफ पर। दूसरा कैसा बना, पॉइंट साइज, बिंदु आकार, बिंदु आकार, ठीक है। और तीसरा, आपको पता ही है मिरर के पीछे बना है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। पल्ले पड़ रही है बच्चों बात। अब फटाफट जल्दी से, फटाफट जल्दी से आप सभी इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद, वैसे तो अभी मेरे को इसमें बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक है, यहीं खत्म नहीं होता है, लेकिन इसके यूजेस, ठीक है, और इसके फॉर्मूले कैसे कैसे डेवलप हुए, ये सारी बातें आप लोगों पे अभी, बस मैं ये सारी बातें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपके सामने ये दो, और आज जितने भी डायग्राम बनाए हैं मैंने और कल जितने भी डायग्राम कराए थे मैंने, वो दोनों डायग्राम को मिला के सारे डायग्राम को बहुत अच्छे से कर लेना, और कोई डाउट हो तो मुझे भेजना ताकि मैं उसे रिजॉल्व करवा सकूं, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में यहीं खत्म कर रहा हूँ बच्चों, ठीक, आप इसे नोट कीजिए, नोट करके जो भी समस्या आपके सामने आती है वो मुझे बताइए, फिर उसे हम रिजॉल्व करेंगे। और बाकी नेक्स्ट क्लास बड़ी प्यारी क्लास है, बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए इसको नोट कीजिए आप फिलहाल।